हेलो स्टूडेंट्स, देखिए हम लोग बात करेंगे अब जो पिछला वीडियो था उसी के आगे एक टॉपिक है। हम ये देखेंगे कि जो फोटोन का द्रव्यमान और संवेग होता है वो होता कितना है, वो कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर फोटोन का द्रव्यमान एवं संवेग के बारे में। तो हमारी हेडिंग है यहाँ पर फोटोन का द्रव्यमान एवं संवेग। हम इसके ऊपर बात करेंगे, यानी कि हम इसको बोलेंगे कि मास एंड मोमेंटम ऑफ फोटोन। तो हम फोटोन के मास और मोमेंटम के बारे में यहाँ पर बात करने वाले हैं। अब एक चीज़ यहाँ पर समझिएगा, देखिए आपका अगर पार्टिकल फोटोन की बात कर रहे हैं, अगर ये रेस्ट पर है या तो ये मूव कर सकता है, यानी कि मोशन में हो सकता है, गति की अवस्था में हो सकता है, ये गति में हो सकता है या फिर ये आपका विराम में हो सकता है। दो चीज़ें आपकी यहाँ पर होंगी, या तो आपका फोटोन जो होगा वो रेस्ट में होगा यानी कि विराम में होगा, या तो मोशन यानी कि गति में होगा। अगर आपका फोटोन रेस्ट में है, मतलब फोटोन रेस्ट में है तो इसके पास जो द्रव्यमान यानी कि मास होगा ना वो ज़ीरो होगा। कितना होगा? ज़ीरो, यानी कि नहीं होगा। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि अगर कोई फोटोन रेस्ट में है यानी कि विराम अवस्था में है तो उसका द्रव्यमान कितना होगा? ज़ीरो। लेकिन अगर फोटोन आपका मूव कर रहा है तो उसके पास मास आपका होता है यानी कि द्रव्यमान होता है। कहने का मतलब ये है कि अगर फोटोन रेस्ट में है तो वहाँ पर उसका कोई अस्तित्व नहीं है, मतलब वो है ही नहीं। अगर वो मोशन में है यानी कि गति की अवस्था में है तो उसके पास मास है। अगर मास है तो एनर्जी भी होगी, और अगर एनर्जी है तो संवेग भी होगा, मतलब सब कुछ होगा। ठीक है, अब यहाँ पर आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करें तो आइंस्टाइन ने बोला था, देखिए दो चीज़ों के बारे में हम बात कर चुके हैं, मास के बारे में बात कर चुके हैं कि अगर आपका फोटोन रेस्ट पे है मतलब उसका मास ज़ीरो होगा, द्रव्यमान ज़ीरो होगा, अगर मोशन में है तो उसके पास मास होगा यानी कि द्रव्यमान होगा। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले हैं आइंस्टाइन के इक्वेशन के हिसाब से। आइंस्टाइन ने ऊर्जा का जो संवेग संरक्षण का नियम दिया था, यानी कि एनर्जी कंजर्वेशन का जो उनका नियम था, उन्होंने बोला था कि अगर कोई फोटोन है जिसके पास मास है तो उसके पास जो एनर्जी होगी E=mc² के बराबर होगी। यहाँ पर जो c है वो स्पीड ऑफ फोटोन या स्पीड ऑफ लाइट है, क्या है? स्पीड ऑफ लाइट है। तो हम ये जानते हैं कि ये स्पीड ऑफ लाइट है। अब यहाँ पर ध्यान से समझिए, अगर ये e है, हम उसके मास की बात करें तो m बराबर आपका आ जाएगा E/c², यानी कि अगर फोटोन है जिसके पास एनर्जी E है तो उस फोटोन का जो द्रव्यमान होगा वो E/c² के बराबर होगा। एक तो ये हो गया, लेकिन आपको और भी चीज़ें पता हैं। E=, होता है hc/λ, एक ये होता है। आपको यहाँ से ये पता चल गया है कि E की जगह हम mc² लिख सकते हैं, तो mc² = hc/λ। यहाँ से एक c से c कैंसिल हो गया, यहाँ से अगर m निकालना चाहें तो c को भेज दीजिए h/λ c। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास वेवलेंथ है, आपकी लाइट के पास अगर वेवलेंथ है तब भी आप उस फोटोन का मास यानी कि द्रव्यमान निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रही है? एक और फॉर्मूला होता है E=hν होता है ना, तो E की जगह हम रख सकते हैं mc² = hν। यहाँ से अगर द्रव्यमान की बात करें तो हम लिखेंगे hν/c². कहने का मतलब ये है कि जो आपका मास है, अगर आपके लाइट की फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति दे रखी है तो भी हम उसका द्रव्यमान यानी मास निकाल सकते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर है कि मास निकालने के कई तरीके हो गए। अगर आपके पास एनर्जी दे रखी है, अगर फोटोन की एनर्जी दे रखी है
तो E अपॉन सी स्क्वायर करके आप मास निकाल सकते हैं। अगर आपको वेवलेंथ दे रखी है तो H अपॉन लैम्डा सी करके आप मास निकाल सकते हैं। अगर आपको फ्रिक्वेंसी यानी आवृत्ति दे रखी है तो आप H न्यू अपॉन सी स्क्वायर करके आप मास निकाल सकते हैं उस फोटोन का। तो ये है आपके फोटोन का मास, यानी कि मास ऑफ फोटोन। तो इतने तरीकों से आप किसी भी फोटोन का मास निकाल सकते हैं अगर जरूरत होती है तो। ठीक है, ये तो हो गया, मास मास की बात हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके संवेग यानी मोमेंटम के बारे में, कि अगर कोई फोटोन है उसका संवेग यानी कि मोमेंटम कितना होगा। तो हम लोग मोमेंटम के बारे में बात करेंगे कि अगर कोई फोटोन है और फोटोन अगर मूव कर रहा है यानी कि वो गति की अवस्था में है, तो उसके पास अगर मास है तो उसके पास कोई ना कोई मोमेंटम यानी कि संवेग होगा। अगर हम बात करें मोमेंटम यानी कि संवेग के बारे में, हम बात कर रहे हैं मोमेंटम, मोमेंटम को हम बोलते हैं संवेग। अगर हम इस संवेग के बारे में बात करें तो ये होता है द्रव्यमान। देखिए इसको हम दिखाते हैं पी, और पी इज इक्वल्स टू, यहाँ पर पी इज इक्वल्स टू एम इंटू सी आएगा, क्योंकि हम लाइट के स्पीड की बात कर रहे हैं, तो लाइट की स्पीड सी के बराबर होती है, तो पी इज इक्वल्स टू एम इंटू सी आपका ये आ जाएगा। यहाँ से ध्यान से आप समझिएगा, अगर हम मोमेंटम यानी पी की बात करते हैं तो पी एम की जगह हम रख सकते हैं ई अपॉन सी स्क्वायर, तो हम रख सकते हैं ई अपॉन सी स्क्वायर इंटू में आपका ये सी है तो सी रहने दीजिए, सी से सी कैंसल हो गया, तो पी बराबर आपका आ गया ई अपॉन सी। ठीक है, पी बराबर ई अपॉन सी आपका ये आ गया। दूसरा अगर बात करते हैं तो पी इज इक्वल्स टू, आप देखिए पी इक्वल्स टू एम, और एम के प्लेस पे आप क्या रखेंगे, एच अपॉन लैम्डा सी, तो रखेंगे एच अपॉन लैम्डा सी इंटू आपका ये क्या है, ये आपका रहेगा ना, सी की जगह ये सी रहेगा, सी रखिए कैंसल हो गया, तो ये एच अपॉन लैम्डा ये आ गया, यानी कि पी की वैल्यू संवेग जो आ गया एच अपॉन लैम्डा आपका ये आ गया। अगर एक और देख रहे हैं आप, पी इज इक्वल्स टू, मतलब ये दे रखा है कि अगर आपके फोटोन के पास एनर्जी है तो आप अपना संवेग यानी कि मोमेंटम निकाल सकते हैं, अगर आपके फोटोन के पास वेवलेंथ है तो भी आप उसकी उसका संवेग यानी मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर आपके फोटोन के पास, अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति है, तो एच न्यू अपॉन सी स्क्वायर इंटू ये वाला सी करके, एक सी से सी गया, एच न्यू अपॉन सी, यहाँ से आप मोमेंटम यानी कि संवेग निकाल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर मुझे संवेग यानी कि मोमेंटम यानी कि पी निकालने की ज़रूरत पड़े तो हम लिख सकते हैं ई अपॉन सी, या हम लिख सकते हैं एच अपॉन लैम्डा, या हम लिख सकते हैं एच न्यू अपॉन सी। इस तरीके से हम यहाँ से संवेग यानी कि मोमेंटम कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया मोमेंटम निकालने का तरीका। तो देखिए मास और मोमेंटम इस तरीके से निकाला जाएगा। आप देखिए जितनी चीज़ें आपको बताई जा रही हैं इन चीज़ों को स्ट्रॉन्गली आप देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि इसमें बहुत कोई कॉम्प्लिकेटिव चीज़ है, सिंपल चीज़ है, आसान है, अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम इसमें इतना ही रखते हैं, आगे का वीडियो हम नेक्स्ट, आगे का जो पार्ट है, टॉपिक है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही और धन्यवाद।